खबर उज्जैन से। 8 मार्च को महाशिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी और आंतरिक क्षेत्र का किया गया निरीक्षण। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि महापर्व की व्यवस्था के संबंध में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी और आंतरिक क्षेत्र का निरीक्षण किया, दर्शन मार्ग का दौरा किया, संबंधितों को विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। व्यवस्थाओं का निरीक्षण के दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, उज्जैन नगर पालिका निगम आयुक्त आशीष पाठक, अपर कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरु आदि के अतिरिक्त सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन महाकाल मंदिर में करीब 10 लाख से 15 लाख श्रद्धालु आने की संभावना लगाई जा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।